आफ्टर रिमूविंग 370, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमारी जो है स्टेट में यूटी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया हुआ है हमारे यूथ को लेके। हमारा जो यूथ है अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, ड्रग्स से हम हमारे बच्चे जो है दूर हो रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट काम कर रहा है, उस पर हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं ये बताऊँ कि इस गवर्नमेंट के आने से, बिकॉज आई माई सेल्फ रिलेटेड वन गवर्नमेंट, यू नो आई एसोसिएटेड विद सम वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो कहीं ना कहीं जो है ओल्ड एज वालों को काफ़ी बेनिफिट मिला है। गवर्नमेंट ने छोटी छोटी बच्चियों के लिए जो है काफ़ी अच्छे स्कीम्स रखे हुए हैं, विडोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट किया हुआ है, गोल्डन कार्ड से हमारे लिए जो जिसपे वो मेडिसिन वगैरह जो है उनको फ्री मिल रहा है 5 लाख तक, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इनके बाद यहाँ पे नई नई स्कीमें आई जिससे गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ और ये सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम था। और 370 हटने के बाद यहाँ पे तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। हर जगह पे आज प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहे है, अवंतीपुरा में एम्स बन रहा है, और ये एक अच्छा कदम है। 370 के बाद एक नया कश्मीर है और ये सबसे मेन। सबसे पहले कश्मीर में करप्शन आसमान को छू रही थी, हर ऑफिस में करप्शन हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद, एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आज किसी भी ऑफिस में आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आज करप्शन नहीं है, कोई भी ऑफिसर आपको रिश्वत मांगता नहीं होगा। और आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे हर रोज़ तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। आज हर जगह पे नए नए प्रोजेक्ट काम हो रहे हैं, हर जगह पे आज फैक्ट्रियाँ बन रही है, हर जगह पे काम हो रहा है, और हालात में बहुत बेहतरी आई है। 370 हटने से पहले यहाँ पे हर रोज़ स्टूडेंट हुआ करती थी, हर चौराहे पे यहाँ पे यहाँ का जो युवा था हर चौराहे पे खड़ा होता था स्टूडेंट का था, लेकिन आज के दौर में यहाँ पे कहीं पे भी स्टूडेंट का नाम नहीं है। और इससे पहले यहाँ पे हर जगह पे इनकाउंट्स हुआ करते थे, आज मेटर से अच्छी तरह से क्रश हुई है और एक अच्छा कदम। पत आई चेंज वारे की चेंज आव लूकन मिले राहत किसान जिस हर इंसान व गोल्डन कार्ड अकिस गरीबस तम से मदद मिल तो वारे की गो वारे चेंज आए वारे से ये गई वारे काम वारे असल काम गई एम ब्रोंट आस ने इतकन गसन जिस हर अकिस इंसानस रोड बने वारे फैसल्टी आस सैनिस एरिया उस त्रेश दाद लूख मरा आज तुम त्रेश तवान बावजूद नजरन मासन मज गई काम अमन आमन आवे। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एलजी गवर्नमेंट है, एलजी गवर्नमेंट के चलते जम्मू कश्मीर के हालात में काफ़ी बदलाव आया है। यहाँ लोग तामीर और तरक्की की तरफ दौड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से भी लोगों को हर किस्म का फ़ायदा मिल रहा है। डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हैं बेरोज़गार लोगों के लिए। और इसी तरह आप देखिए जो करप्शन का मसला था, पहले सरकार में करप्शन के बड़े बड़े मसले होते थे और आज जो करप्शन है करप्शन कई हद तक ख़त्म हुआ है। और आज अगर किसी भी ऑफिस में ऐसी कोई इतला मिलती है करप्शन के हवाले से तो उसी वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग उस ऑफिस में उस ऑफिसर या ऑफिसर को रेड हैंड पकड़ते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो साथ ही साथ आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी, हर फ्राइडे को यहाँ हालात ख़राब होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी। आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एलजी गवर्नमेंट के जो वजूद में आई उसके बाद आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखसूस वैली के अंदर कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया स्टोन पेल्टिंग का। और लोग अमन चाहते हैं, लोग अमन की तरफ दौड़ रहे हैं, लोग ने स्टोन पेल्टिंग का वो जो रास्ता था वो छोड़ दिया है, तर्क कर किया है। और ये सारा कुछ जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हैं और उनके जो जेर कंट्रोल इस वक्त एलजी गवर्नमेंट की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये इसी वजह से यहाँ पे हो सका है। और आप देखिए कि इस वक्त जो गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के हवाले से जब हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे अगर हम ज़िले कुपवारा की बात करेंगे वहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री मेडिकल कॉलेज का है, मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ है। इसी तरह जब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, श्रीनगर में आप देखिए रिंग रोड बन रहा है, या बाकी जो जहाँ भी दफातर है आप देखिए नेशनल हाईवे बन रहा है, बड़े बड़े रोड्स इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ज़ेर कंट्रोल लिए है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डे बाई डे। और साथ ही साथ आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक गरीब इंसान था, जो आम इंसान था, उसके लिए
जो सबसे बड़ा एक गिफ्ट था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज था, वो है उसका सेहत स्कीम का। उसको गोल्डन कार्ड दिया गया था, वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा था, वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा था अपनी गुर्बत की वजह से। आज उसके पास गोल्डन कार्ड है, वो हॉस्पिटल में जा रहा है, उसका फ्री इलाज हो रहा है, टेस्ट फ्री हो रहे। इसी तरह आप देखिए इसी गवर्नमेंट के चल रहे पीएम किसान का पैसा हर एक आदमी को मिल रहा है। और आप दूसरी बात देखिए पीएम किसान के साथ साथ आप देखिए फ्री राशन मिल रहा है यहाँ गरीबों को, जिनके पास बीपीएल आईएवाई का राशन कार्ड है उनको फ्री मिल रहा है। और हाउसिंग एचएफए स्कीम में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की हाउसिंग फॉर ऑल, वो गरीबों के लिए, वो उन लोगों के लिए है जिनके मकान नहीं थे। गवर्नमेंट ने ये नई नई स्कीम्स जो हैं, ये सारी स्कीम्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लाई गई है। आर्टिकल 370 में तरमीम के बाद जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार और यूटी सरकार ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिससे लगता है कि आम आदमी तक जो है वो सरकारी स्कीमों की रसाई हासिल है। यहाँ पे वर्क कल्चर में बहुत हद तक सुधार किया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 एम्स से भी नवाजा गया है और हमें मेडिकल कॉलेज भी दिया गया है। इससे लगता है कि सरकार की नीयत में कहीं ये चीज़ है कि आम लोगों तक सरकारी स्कीमों का फ़ायदा पहुँच सके। और हमें लगता है कि जो सरकार की मंशा है वो कहीं ना कहीं लोगों को, आम लोगों को एम्पावर करने की तरफ एक सराहना इकदाम है। इस तरीके से यहाँ पे पंचायत निज़ाम को मजबूत किया गया है, जैसे यहाँ पे यूएलबी के पंचायत के इलेक्शन कराए गए और पहली दफ़ा तबारीख की डीडीसी चुनाव कराए गए, जिससे हमारे ज़िले में जो है ज़िला सतह की जो तामीर तरक्की है उसके लिए बाज़ाबता तौर पर एक आज़ादाना तौर पर जो है वो प्लानिंग हो रही है। इससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है वो आम सत्ता पे ग्रास रूट लेवल पर तक जो तामीर तरक्की का जाल है वो पहुंचाना चाहता है, बिछाना चाहते हैं। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कैरियर को प्रोग्रेस किया जाए, रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम करके रुकी पड़ी तरक्कियों को वागुजार किया जाए और जो पे इनामलीज है उनको दूर किया जाए। अगर सरकार ये जो मुतालबात हमारे इनको हल करने में कामयाब होती है तो 370 के बाद ये तवारीखी इकदाम माने जाएंगे।